गो फर्स्ट क्राइसिस का दिखा असर। दिल्ली मुंबई और चंडीगढ़ समेत मुख्य हाईवे मार्गों के किराए 5 गुना बढ़े। दिल्ली मुंबई, दिल्ली लेह, चंडीगढ़, श्रीनगर और अन्य महत्वपूर्ण हाईवे मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को किराया बढ़ने के कारण मौजूदा समय में 4 से 5 गुना अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। किराए में अचानक हुई बढ़ोतरी, एयरलाइन गो फर्स्ट की ओर से NCLT में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन के बाद हुई है। हवाई किराए में हुई बढ़ोतरी, दिल्ली से जाने वाले कई मुख्य शहरों की उड़ानों के किराए में 4 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली से लेह तक का किराया 26,819 रुपए हो गया है, जो कि 5 मई से पहले 4,772 रुपए के आसपास था। चंडीगढ़ से श्रीनगर तक हाईवे किराया 24,418 रुपए हो गया है, जो कि पहले 4,047 रुपए था। वहीं श्रीनगर से चंडीगढ़ का किराया 26,148 रुपए चल रहा है, जो कि 6 मई को 4,745 रुपए था। इसके अलावा दिल्ली मुंबई मार्ग के लिए किराए में 37% का इजाफा देखने को मिला है। हवाई किराए में बढ़ोतरी का कारण गो फर्स्ट एयरलाइन के अचानक ग्राउंड हो जाने के कारण मांग और आपूर्ति के बीच एक गैप आ गया है, जिस कारण हवाई किराए में उछाल देखने को मिल रहा है। गो फर्स्ट एयरलाइन 59 विमानों के बेड़े के साथ 30 से अधिक गंतव्य स्थानों के लिए उड़ान भरती थी। कंपनी प्रतिदिन लगभग 200 उड़ानों का संचालन करती थी। दिवालियापन की कगार पर पहुंची गो फर्स्ट की ओर से 2 मई को दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन कर दिया गया है। एयरलाइन द्वारा 12 मई की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। एयरलाइन का कहना है कि प्रेंट एज विटनी इंजनों के विफल होने के कारण कंपनी को अपनी 50% से अधिक फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ा है और कंपनी को नुकसान हो रहा है। इस वजह से अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है।